जौनपुर जिले से आ रही है बड़ी खबर। रामपुर थाना क्षेत्र के गौरी शंकर बाजार में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे में साड़ी के फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे मृतक के पिता ने परिजनों के ऊपर दहेज में पैसे एवं अन्य सामान नहीं देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दिया। बताते हैं कि ग्राम सभा ठाठर के गौरी शंकर बाजार निवासी महाजन गुप्ता की बहू दीपा गुप्ता संदिग्ध परिस्थितियों में सुबह घर के कमरे में फांसी पर लटकती हुई मिली। मृतक दीपा की शादी बीते 29 अप्रैल को महाजन गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता से हुई थी। सूचना पर मायके जमालापुर औरा गांव से पहुंचे मृतक के पिता सियाराम गुप्ता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही राहुल गुप्ता को बिजनेस के लिए 4 लाख रुपए चाहिए थे, जो वो बार बार मांग कर रहा था। उसके बाद घर में सोफा सेट और 32 इंच की LED TV भी लगातार मांगी जा रही थी। पिता सियाराम पैसे नहीं होने के कारण ससुराल वालों से बात कही, जिस पर कहा गया कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो बेटी नहीं रहेगी। पिता ने पुलिस को रो रो कर ये सारा दास्ता बताया और आरोप लगाया कि दहेज नहीं देने के कारण मेरी बेटी को मारकर आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर लटका दिया गया। शव को देखने से ही पता चलता है कि मेरी बेटी इतना ऊपर जाकर फंदा नहीं लगा सकती। भाई ज्ञानचंद ने बताया कि राहुल गुप्ता कुछ दिन पूर्व ही मुंबई गया हुआ है, बराबर दहेज की मांग की जा रही थी। दहेज के कारण ही मेरी बहन की हत्या की गई। पड़ोसी द्वारा हम लोगों को सूचना मिली कि ऐसी घटना घट गई है, जबकि ससुराल वाले नहीं बताए। हम लोग मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दिए। पिता सियाराम की तहरीर पर पुलिस ने पति राहुल गुप्ता, ससुर महाजन गुप्ता, सास शांति देवी, देवर विशाल गुप्ता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। ससुर महाजन गुप्ता व देवर विशाल गुप्ता को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक विजय शंकर सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल से नवनीत सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका? ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता, ये क्या मामला है, आपके सिस्टर साथ क्या हुआ? सर, ये शादी किए थे, जितना धन दौलत मतलब मांगे थे वो लोग दहेज जी, उससे थोड़ा बढ़ा कर ही दिए थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। फिर भी ये लोग बार बार हमारी बहन को प्रताड़ित करते थे और मारपीट उसके साथ करते थे, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना करते थे। कब शादी किए थे? शादी किए थे 29 अप्रैल को 2021। 2021 किसके साथ शादी हुई थी? राहुल गुप्ता। वो यहाँ पे थे? वो बाहर कमाने गए थे अभी 10 दिन पहले। यहाँ पर कौन कौन था घर पे? सास, ससुर, देवर। किसके नाम से आपने मुकदमा दर्ज कराया है? इन्हीं लोगों के नाम कराया है। सास का क्या नाम है? शांति देवी। और ससुर का? ससुर का नाम महाजन गुप्ता। महाजन गुप्ता। और देवर का? विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता। तो कहने का मतलब दहेज के लिए ही हत्या की है? हाँ सर, बार बार ये लोग फोन करके मतलब बोलते थे कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, बाइक चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए, और भी जैसे बाइक 2 लाख रुपया और सोने की चैन चाहिए, फिर मतलब कई प्रकार के हमेशा मतलब कुछ न कुछ आपसे मांगते थे, ऐसी मांगते थे, मतलब न देने पे बोलते थे कर्जा लेके दो, कहीं से भी दो, किसी से लो, कुछ भी करो, पैसा चाहिए तो बस चाहिए। ये जब आज कैसे आपको मालूम हुआ कि कब ये घटना, कैसे जानकारी हुई? सर 4:15 बजे लगभग उनके बगल के एक आदमी फोन करके बताया हमको। अच्छा, इनके घर वाले कोई नहीं बताया? घर वाला कोई नहीं बताया। बगल वाला क्या बताया? बगल वाला बताया कि आपकी बेटी है वो मतलब फांसी पे लटकी हुई है। तो आप लोग पहुँचे? तो हम लोग मतलब उनके घर फ़ोन लगाया कि क्या बात है, तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। अच्छा, फ़ोन भी रिसीव नहीं किया? कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो इसके बाद हम लोग वहाँ घर पर पहुँचे। अच्छा, फिर पुलिस को आपने सूचना दिया कि उनके घर? नहीं, पुलिस को हमने सूचना दिया, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। वहाँ जाने के बाद न कोई रो रहा था, न कोई चेहरे पर शिकन थी। अच्छा, मतलब किसी प्रकार से वो लोग मतलब कोई उन लोगों को टेंशन नहीं दिख रहा था चेहरे पे। आप लोगों की सूचना पे ही पुलिस पहुंची? हाँ, हम लोग पहुंचे, सूचना दिए पुलिस को, तब पुलिस आई।